आपको सीधे लेकर चलते हैं गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार में नौशेरा में इस समय चुनावी रैली को संबोधित कर। हटाने नहीं देंगे भाइयों बहनों, मुझे बताओ धारा 370 गई अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, तीन पीढ़ियां चली गई और तीन ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए हैं, अच्छा ही किया भाई बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे, मगर मैं कहकर जाता हूं बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की, और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो, अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौशेरा के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में रजौरी पूंछ डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौशेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो, नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी जम्मू कश्मीर के नौशेरा से आप सुन रहे थे अमित शाह को सीधे सियासी विरोधियों अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली जंतर मंतर, जहां जनता की अदालत आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई गई है और यहां मंच पर अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। इस समय आप देख रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया मंच पर मौजूद है, उनका संबोधन चल रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो अन्य बड़े नेता हैं वो सभी मंच पर नजर आ रहे हैं। पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार मंच पर यहाँ पर नजर आ रही है। आपका दो सवाल नहीं खेल पाएगा। मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं? की कहानी आप लोगों ने लिखी हुई है, क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने मेरा सब कुछ छान मारा, सर का सब कुछ छान मारा, घर बार सब खगोल डाला, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने क्या चाल रची कि कुछ लोगों को, दो चार लोगों को अंदर पकड़ पकड़ के जेल में डाला, उनको बोला कि देखो बाहर आना चाहते हो तो अरविंद जी के खिलाफ बयान दे दो, नहीं तो जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे। उनमें से किसी एक आध आदमी ने कोई झूठा बयान दे दिया, उस झूठे बयान के आधार पर मुझको, संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन बयानों से कुछ नहीं होता है, ये तो जब ट्रायल चलेगा तो दो मिनट में खत्म हो जाएंगे, दो सवाल नहीं झेल पाएगा तुम्हारा। इसका ये क्यों, नीरज इसका साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा। कारण भ्रष्टाचार नहीं था कि मुझे जेल में डाला, केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय भाई को जेल में डाला। कारण था परेशान करना, कारण था दिल्ली के काम रोकना। 17 महीने अंदर जेल में रखा। कारण और मकसद इनका एक ही था कि इनको तोड़ो, इनको अंदर से तोड़ो, इनको बाहर से तोड़ो, इनकी हिम्मत को तोड़ो, इनकी टीम को तोड़ो। लेकिन आज मैं खुशी के साथ कह रहा हूं, और आप लोग भी इसी बात से उमंग में, उत्साह में, कि ना तो अंदर से हिम्मत टूटी और ना पार्टी टूटी। इसी बात को लेकर सब उत्साह में, सब लोग। कितने मैसेज आते थे इनके, जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे ये लोग, जानते नहीं हो आप इनको, आ जाओ छोड़ दो, इधर आ जाओ, क्या होगा जेल में पड़े रहोगे। अपनी सोचो, मुझे आगे ज्ञान दिलवाते थे, राजनीति में तो देखो सब ऐसे ही होता है, कोई किसी की भी सोचता, आपको आना चाहिए, आपको जेल से बाहर आना है तो आपको सुननी चाहिए इनकी बात। मुझे बता दे, आपकी वाइफ बीमार है, आपका बेटा पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, सोचो अपने परिवार की, सोचो परेशान हो जाओगे। मेरे घर में, जो घर मैंने 2002 में जब मैं पत्रकार था, 5 लाख रुपए में घर खरीदा था, उस घर को भी इन्होंने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी के 10 लाख रुपए पड़े थे, वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। पहले डराते थे, समझाते थे, बहलाते घुसलाते थे, मेरा घर छीन लिया जो मैंने 5 लाख रुपए में 2002 में खरीदा था, बोले इसको भी जब्त कर लेते हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, वो भी जब्त कर लिए। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी है, मेरा बैंक अकाउंट दिल्ली ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह से टॉर्चर करते थे, इस तरह से मेंटली हैरेस करते थे। क्यों? इनकी कोशिश थी कि आदमी टूट जाए। लेकिन हम भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी की टीम के ग्रुप में खड़े हुए, टूटे नहीं, घबराए नहीं, अंदर से टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अंदर से नहीं टूटा तो इन्होंने बाहर से तोड़ने की कोशिश की, चारों तरफ से। कभी कहते थे, सर आपको पता नहीं है मनीष जी, आपको तो अरविंद केजरीवाल जी ने फंसा दिया। मुझे आगे देते थे, मैसेज देते थे, मैंने कहा भाई मेरे को तो अरविंद केजरीवाल जी ने 26 साल पहले फंसा दिया था, इस काम में उसी में लगा हुआ हूं। कभी आके आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोगों ने बताया था, बेशर्मी देखिए इनकी, कि सीबीआई में अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में बयान डाला, जबरदस्ती वो कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम दे दिया, सारा इल्जाम मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम दे दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो आपको केजरीवाल जी ने आपका नाम दे दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो, आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था, हंसता था, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम दे दूं। मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे हैं, कुछ ही देर में जनता की इस अदालत को अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जनता की अदालत में आज अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। देखिए मनीष सिसोदिया किस तरीके से निशाने पर बीजेपी को ले रहे हैं, बरस रहे हैं केंद्र सरकार पर, ये कहते हुए कि सिर्फ एक कारण था जिस वजह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिसमें चाहे संजय सिंह हो, खुद मनीष सिसोदिया हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा, और वो कारण आम आदमी पार्टी को परेशान करना, तोड़ना बीजेपी चाहती थी आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को, अंदर से तोड़ना चाहती थी, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, बाहर से तोड़ना चाहते थे, टीम को तोड़ना चाहते थे, हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते थे, लेकिन ना हमारा हौसला टूटा, ना हमारी टीम टूटी। और देखिए आज हम सब एकजुट इस मंच पर यह संदेश दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, और कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल का संबोधन, जिसमें वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि जब तक दिल्ली की जनता की अदालत से उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता ईमानदारी वाला,
वोट के जरिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और इसीलिए इस्तीफा देने के बाद अब आज ये जनता की अदालत है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सजाई गई है दिल्ली के जंतर मंतर पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस समय मौजूद है और जरा जानते हैं दीपक रावत से। दीपक, मनीष सिसोदिया का संबोधन हम सुन रहे हैं, इंतजार अरविंद केजरीवाल के संबोधन का है। मनीष सिसोदिया के निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी और एक तरीके से जनता के सामने जो कुछ हुआ आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, किस तरीके से उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया, उसकी इनसाइड स्टोरी, वो पोल खोलने का काम बीजेपी का कर रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब से कुछ देर बाद जब अरविंद केजरीवाल इस मंच से संबोधन करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जाहिर सी बात है इससे इतर कुछ बात करेंगे। वो बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या किया जा सकता है और रणनीति क्या नजर आ रही है यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं? जी बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा कि बीजेपी को निशाने पर सीधे तौर पर लिया जा रहा है। वो इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के आरोपों के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने ये डिसाइड किया कि मैं जनता के बीच जाऊंगा। हालांकि मुझे जमानत कोर्ट से मिल गई है क्योंकि कुछ मिला नहीं और केस शुरू हो ही नहीं पाया, ट्रायल शुरू हो ही नहीं पाया और जब कुछ था ही नहीं तो मिलता कहाँ से, ट्रायल कहाँ से शुरू होता। इसीलिए हमारे तमाम नेताओं को जमानत दे दी गई और मैं बाहर हूँ। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर मैं कुर्सी के पद पर बैठा रहूंगा तो मुझसे बीजेपी ये कह रही है कि पद का लालच है, घर का लालच है, लेकिन जनता के बीच जाऊँगा। मनीष सिसोदिया जो लगातार कह रहे हैं वो बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं, उनमें से एक बात वो ये कह रहे हैं कि हमें ये कहकर तोड़ने की कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल का नाम ले लो तो तुम सबको बाहर भेज दिया जाएगा, सारे आरोप खत्म कर दिए जाएंगे और तुम नई पार्टी शुरू कर सकते हो या फिर बीजेपी में शामिल हो सकते हो। इन्हीं आरोपों के साथ अरविंद केजरीवाल भी लगातार बीजेपी को निशाने पर लेते रहे और आज यही कोशिश जो है अरविंद केजरीवाल इस जंतर मंतर के मंच से शुरू करना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया ने एक बात और कही कि जंतर मंतर से हमने शुरू किया था, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो इसी जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मौजूद रहते थे, मनीष सिसोदिया भी एक कोने पर रहते थे और आज उसी जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल की कोशिश होगी अपनी पुरानी राजनीति को धार देते हुए दोबारा से दिल्ली के चुनाव में उतरने जा रहे हैं और जब वो दोबारा जब चुनाव में उतरेंगे तो उनके ऊपर इतने बड़े बड़े जो आरोप लगे हैं जिसकी वजह से उनके तमाम नेताओं को जेल में जाना पड़ा, उन आरोपों को कैसे दरकिनार करते हुए वो दोबारा सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाते ये देखना होगा। जहां तक ऐलान की बात है तो ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहां से अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वॉलंटियर्स को बताएंगे कि अगले दिनों उनके क्या प्लान रहने वाले हैं, यहां से निकलकर वो जनता की अदालत अलग अलग विधानसभा में किस तरीके से लगाएंगे, कैसे जनता के बीच वॉलंटियर्स को भी जाना होगा, किस मंत्र के साथ जाना होगा। अरविंद केजरीवाल अगले 4 महीने जिस तरीके से सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उनकी कोशिश रहेगी कि वो हर दिन किसी विधानसभा में रहेंगे, उस विधानसभा में हर एक घर तक जाने की कोशिश होगी। तमाम वॉलंटियर्स को भी यही निर्देश दिए गए हैं और ये लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी कि जो आरोप लगाए गए हैं चाहे वो कथित शराब नीति को लेकर हो या फिर बड़ा बंगला तैयार करने को लेकर हो, उन सारे आरोपों को लोगों को समझाना है कि ये कोई आरोप थे ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ निकला ही नहीं। यही वजह है कि तमाम नेता आज बाहर हैं और जंतर मंतर के मंच पर बैठे हुए हैं। वही कोशिश इस वक्त मनीष सिसोदिया भी कर रहे हैं, वही कोशिश अरविंद केजरीवाल की भी होगी रोमाना। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपनी जीत के तौर पर मंच पर आज जिस तरीके से मौजूदगी तमाम आम आदमी पार्टी के उन बड़े नेताओं की जो कुछ दिन पहले तक सलाखों के पीछे जेल में थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप रहिए मेरे साथ दीपक, हम जरा मदिहा के पास लेकर चलते हैं। वो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी की तरफ से रणनीति ये बनाई जा रही है कि साहब जितने आरोप और जितने आरोपों के कटघरे जिसमें बीजेपी खड़ा कर रही है उसको लेकर जनता के बीच सीधे जाया जाए और जनता को यह बताया जाए कि सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद है, लेकिन यहां जहां मदिहा मौजूद है यहां पर बीजेपी की तरफ से घेराबंदी की तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त तैयारी नजर आ रही है और सीधे अरविंद केजरीवाल और उनके शीश पहल को लेकर, खासतौर से वो जो मॉडल सीपी पर बीजेपी ने रखा है और उसके जरिए बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। मदिहा जरा तस्वीरें दिखाइए और अगर कोई बीजेपी का नेता वहां पर मौजूद है तो उससे बात भी कीजिए। बिल्कुल रुमाना जी, आज प्रदर्शन हल्ला बोल दिल्ली बीजेपी की तरफ से और बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर लगाई गई है। बड़ी बड़ी तस्वीरें यहां पर हैं जिसको, इन तस्वीरों को कहा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल के बंगले की इसी तरह के कुछ एक्स्ट्रा रूम्स, डाइनिंग एरिया, बैठक रूम, ड्राइंग रूम जो है वो अरविंद केजरीवाल के बंगले के अंदर है और इसी मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को घेरा जाता रहा है और आज भी उसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन है। और आखिर एक तरफ मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सभी मंच पर बैठे हैं जंतर मंतर पे, तो वहीं दिल्ली बीजेपी हल्ला बोल रही है, प्रदर्शनी लगा रही है, प्रदर्शन कर रही है। यहाँ मेरे साथ राजकुमार आनंद मौजूद हैं जो कि कैबिनेट मंत्री थे और उसके बाद वहां से आम
आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। वहां मनीष सिसोदिया इस वक्त मंच पर है। उन्होंने कहा कि जब वो जेल में थे, जब इंक्वायरी चल रही थी, तब उनसे कहा गया अरविंद केजरीवाल का नाम ले लो, बच जाओगे। इस तरह की बातें वो मंच से इस वक्त कह रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। आज देखिए उनकी मजबूरी है बड़ी, क्योंकि उनको पता है कि उनके राजपाट जाने वाले हैं, तो आज कुछ भी वो कहेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं कि मैं एक बम चलाऊंगा, कल को इतना बड़ा बम होगा कि दिल्ली दहल जाएगी और दोबारा से हमें 70 सीटें मिल जाएंगी। ऐसा कोई बम नहीं चला, क्योंकि दुनिया को पता था कि आतिशी ही संभाल रही है दिल्ली को, और आतिशी ने फिर संभाला, ठीक है, या तो कोई और लेकर आते ऐसा आदमी जिसको कभी लोगों ने यूज़ ना किया हो। अरे ये तो मंत्री फेलियर मंत्री है, आतिशी एक फेल मंत्री हैं। उन्होंने आपने साथ काम किया है, जाहिर सी बात है आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज यहाँ पर हल्ला बोल प्रदर्शन चल रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश? कुछ वक्त में चुनाव होंगे अब दिल्ली के, तो किस तरह से घेराबंदी जो आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है जनता जो है अब आप लोगों को आशीर्वाद? देखिए अरविंद केजरीवाल जी जेल याफ्ता और बेल याफ्ता इंसान है, उनको इस्तीफा देने के अलावा अभी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इस तरह की बेल, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, इट इज़ अ सस्पेंशन ऑफ अ ऑफिसर। जब किसी ऑफिसर को सस्पेंड करते हैं तो उसको यही तो शर्तें लगाते हैं कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, तनख्वाह पूरी मिलती है, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, बला बला, तो वही सब इनके ऊपर शर्तें हैं। तो ये सस्पेंडेड आदमी थे, तो इनको और कोई रास्ता नहीं था, इनको इस्तीफा देना ही था, किसी और को बनाना ही था। और आतिशी चूँकि पहले ही संभाल चला रही थी, आज भी उनको दे दिया, तो कोई नई बात नहीं है। मैंने जो पहले इस्तीफा दिया था वो इस बात पर दिया था कि दलित कल्याण निधि का करोड़ों रुपया इन्होंने डाइवर्ट करके दूसरी चीज़ों में खर्च कर दिया, उसका मुझे हिसाब चाहिए था। जब मैं हिसाब उनसे मांग, हिसाब तो क्या मांगता, जब भी मैं इस बारे में बात करता था वो उसे टाल जाते थे जी। तो मुझे ये बताइए कि बाहर जो एक मॉडल लगा हुआ है रुमाना जी, बाहर एक बड़ा मॉडल उस बंगले का लगा हुआ है, जिसको लेकर एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बीजेपी जो है वो बना रही है दिल्ली में, लगातार उस पर हल्ला बोल रही है। यहाँ राजकुमार आनंद जी हैं। सर ये बताइए, एक बड़ा मॉडल आप लोगों ने यहाँ ला के रखा हुआ है, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए ये तो ड्रोन से लिया था, एक बार किसी टीवी पर मैंने देखा था, बिल्कुल सेम था, इसमें कोई बिल्कुल इसमें कोई भी तब्दीली नहीं है, ये सेम बंगला है। कहते हैं वो कट्टर ईमानदार है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं? वो कट्टर ईमानदारी की बातें करते थे, इसलिए लोगों ने उनको इतना प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन बाद में लोगों को अब पता, अब जाके पता लगा है कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी, इनसे बड़ा घोटालाबाज कोई भारतीय राजनीति में। मदिया में लौटूंगी आपके पास। तो एक तरफ ये बीजेपी के दावे हैं जिनके जरिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करती हुई नजर आ रही है, और वहीं बीजेपी ने वो किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री आवास रहा पिछले दिनों, और उसको लेकर जो बीजेपी ने घेराबंदी की कि ये तो शीश महल, इतना पैसा अरविंद केजरीवाल ने इस पर खर्च कर डाला, उसी का जो मॉडल रखा हुआ है। दीपक का जरा रुख करते हैं, लेकिन दीपक बीजेपी ये जो घेराबंदी करने की कोशिश कर रही है इसी सीएम आवास को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ कर दिया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद कि घर भी वो खाली कर देंगे। तो कुल मिलाकर अब घेराबंदी करना आम आदमी पार्टी का यहां से बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा, तब जबकि सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल तो अब है नहीं, अब तो सीएम का चेहरा कौन? आतिशी। आप रोमाना, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब तक की पॉलिटिक्स उनकी रही है, उसमें वो हर तरीके के इस तरह कदम उठाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उससे चौंक जाएं। अब आप समझिए कि जब बीजेपी उनसे इस्तीफा मांग रही थी कि वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, ना कोई कैबिनेट हो पा रही है, ना कोई फैसले ले पा रही है सरकार, ना जो स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की थी वो जमीन पर तैयार हो पा रहा है, एलजी के साथ झगड़े बढ़ रहे हैं, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, कोर्ट में लोग गए थे तब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। सीधे तौर पर जब वो बाहर आए, जब वो काम कर सकते थे, भले वो फाइल जो है वही साइन कर सकते जो राज्यपाल के पास जाती, और ऐसा काम वो पहले भी करते रहे क्योंकि कोई पोर्टफोलियो उनके पास था नहीं, पहले भी वो फाइल वो साइन करते थे, उपराज्यपाल के पास जाती थी, वो चाहते तो अपनी तरीके से सरकार को चला सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये रास्ता इसलिए चुना क्योंकि जो जो नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही थी उनके खिलाफ इस बार चुनाव को लेकर, वो उसे ही बदल देना चाहते थे। पहला उन्होंने कोशिश की कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि अरविंद केजरीवाल किसी पद का लालच नहीं रखते हैं, इसलिए कुर्सी वो खुद से त्यागना चाहते, किसी के प्रेशर में आके नहीं त्याग रहे, जब वो बाहर आ गया हूँ काम कर सकता हूँ तो मैं कुर्सी खुद से छोड़ रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं हूँ जो बीजेपी आरोप लगाती कि अपने किसी और को मौका नहीं देता। मैंने आतिशी को मुख्यमंत्री
बना दिया, अब अतिशी सरकार चलाएगी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप बीजेपी ये लगाती रही कि उन्होंने अपने लिए एक बड़ा महल बना लिया है, बड़ा घर बना लिया है, करोड़ों रुपए फिजूल खर्ची की है जो कि जनता के कामों में लगाया जाना चाहिए था। उस घर को जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके अगले दिन ही ऐलान कर दिया कि मैं ये अपना घर भी छोड़ दूंगा, लोगों के बीच जाकर रहूंगा, अपनी विधानसभा में रहूंगा। तो वो भी नैरेटिव बदलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने अपने उस ऐलान के बाद की है। तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अब यही मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी ने जो इतने दिनों तक एक ताना बाना बुना था अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को घेरने की, वो ताना बाना किस तरीके से खत्म किया जा सके, उसी की कोशिश में अब अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। और ये वजह है कि उन्होंने पहले कुर्सी छोड़ी, अब घर छोड़ रहे हैं, जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। इस तरीके से जो उनका पुराना स्टाइल है राजनीति का, कि किस तरीके से जंतर मंतर से लेकर घर घर जाकर लोगों के बीच रहकर अपने लिए एक जगह बनाई जा सके, उसी तरीके की स्टाइल की राजनीति करते हुए वो फिर एक बार दिल्ली की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। गौर कीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि जब मैं दोबारा जब सरकार चुनाव हो जाएंगे, हम अगर ज्यादा सीटें हासिल करते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा ये देखा जाएगा। उन्होंने सीधा कहा है कि अगर जनता हमें जिताकर भेजती है तो फिर मैं दोबारा मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठूंगा। ये नहीं कहा कि जब मामले खत्म हो जाएंगे, केस खत्म हो जाएगा, तब मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने ये कहा कि जनता का मैंडेट मिल गया, हमारी सरकार बनेगी की नजर आती है ना कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से दीपक रावत आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल 2025 में जो होना है उसको पूरी तरीके से अपने ऊपर केंद्रित कर लिया गया है। मतलब मुद्दा भी अरविंद केजरीवाल ही होंगे, चेहरा भी अरविंद केजरीवाल ही होंगे, और ये एक बड़ी रणनीति के तौर पर यहां पर नजर आ रहा है।